और ये रही हमारी बुचिया की सबसे फेवरेट मिठाई, खाएगा खाएगा खाएगा। अच्छा ये अपने माए के हाथ से नहीं खाओगी का बुचिया? ऐसा लग रहा है बुचिया आपको देख के कि भगवान ने जैसे फास्ट फॉरवर्ड बड़ा कर दिया। अभी की तो बात है, हमने यहाँ बैठ के घोड़ा गाड़ी खेला करती थी और ये दूर बैठे बैठे साउटिंग करती थी, क्या कर रहे हो, बिगाड़ दोगे लाड़ प्यार से। तुमरे बाबूजी तो ऐसे कह रहे जैसे इनके अलावा तुमको कौन लाड़ प्यार करवे नहीं करता था। वो गुड़िया घर वाली बात याद है आपको? कौन सी गुड़िया घर वाली बात? भुला गए ना, वो दिन आपकी बुचिया रो रो के जमीन आसमान एक कर दी थी, काहे के रणविजय उसको चिढ़ाने के लिए ओकरा गुड़िया घर तोड़ दिया था। वो दिन एक खिलौने के बदले में 10-10 खिलौने लाकर दिए थे। बाकी तब भी आपकी बुचिया का रोना बंद नहीं हुआ था। सारी रात शेखर बाबू हाँ, फिर शेखर भैया सारी रात जगकर वो गुड़िया घर हमारे लिए बनाए थे। बाकी बाबूजी शेखर भैया है कहाँ? बुचिया वो दरअसल क्या बात है माँ, शेखर भैया का नाम आते ही सब बोलना काहे बंद कर दे रहे हैं? कौनो बात है का? क्योंकि इतना हम मान ही नहीं सकते हैं कि अपनी छोटी बहन के आने पर भैया यहाँ हमसे मिलने ना आए। बताइए ना माँ, कहाँ है शेखर भैया? ये छुटकी बहू जी, आपको तो मालूम ही होगा ना कहाँ हमरे शेखर भैया। रत्ना काहे परेशान हो रही हो? अरे बोले है ना तुमसे कि काम से गया है पास के गांव में, आता ही होगा, परेशान काहे हो रही हो? वैसे एक बात है बुचिया की माँ, जब से हमारी बुचिया आई है आपने ये तो पूछा ही नहीं कि अभी भी हमारी बुचिया कहानी सुनना पसंद है का ना है। बता ना बुचिया। अब का बताए माई, दिन भर में तो हर चीज के बिटवा में भुडोल उठा रहता है, और रतिया में वही भुडोल के डर से हमका नींद आ जाती थी। अब कहानी कौन सुनेगा? का पेट में भुडोल उठा रे? कौन कहानी का बात कर रहे हो? बाकी तुम सब के पेट में भुडोल उठे, हमारे बाबूजी कितना कमजोर हो गए हैं, अब छड़िया के सहारे भी नहीं चल पाते हैं। हमको लगता है बाबूजी आपका ठीक से देखभाल नहीं हो रहा है। कहा है ना कि अगर मानता नहीं होती कि बेटी के घर का पानी भी माई बापू नहीं पी सकते, तो हम अपने बाबूजी का अपन साथ ही ले जाते। हे भगवान, तेरी कृपा जो ऐसी मानता बनाई, हमारी जिंदगी बच गई, नहीं तो ई मुडोल हमारी जिंदगी का भूल बिगाड़ के रख देता। पी लो, जैसा हम सोचे थे वैसा ही हो रहा है ना। क्या राजकुमारी रत्ना जी, बहुत ही मजा आ रहा ना बढ़िया से खा पी के, और आप लोग भी। अरे ये नहीं कि राजकुमारी जी से बात करें कि काहे बेमतलब जिद आ जाती हैं। वैसे यहाँ तो सारे मामले उलट हैं, भाई जो मन आए वो करो, जेकरे बाद जेकरे पेट में भूडोल आए झेलो। हाथ जोड़ता हूं आपके सामने बरछी दीदी।
जबनिया पर कंट्रोल नहीं है आपका, उठ गई ना बीच खाने से उठ के गई है अमरी बुचिया। ए तुमरे पेट में भू डोला है, हम काहे अपनी जबान बंद करें? हम तो खिला के छोड़ेगी बुचिया, हम वहां आ रहे हैं बुचिया, एक मिनट रुकिए। अरे रुक जा राजकुमारी। हाँ बुचिया, ये आपकी फेवरेट मिठाई और ये आपका कमरा। तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे आप छोड़ के गई थी। और याद है आपको, इधर आइए, यहां पर बैठ के हम आपको बैठो कहानी सुनाया करते थे। और वो वाला गाना, हमरे घर आई एक नन्नी परी चांदी के घोड़े पर होके सवार। बस बाबूजी, अब आप रहने ही दीजिए, आप तो हमेशा कहते थे कहानी सुनाने को, पर कहानी और गाना तो हमको शेखर भैया सुनाया करते। ए बाबूजी, बताइए ना कहाँ है शेखर भैया? बात का है बाबूजी, बताइए ना। देखो बुचिया, माँ बाप बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं। कबू का होता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप चाहती हैं कि आपको बहुत पढ़ाई करने दिया जाए, एक बात बताऊं आपसे, सच्चाई ये है बुचिया कि अभी भी आप बच्चा हो। हम दुनिया देखा और अपना दिल से आप सब लोगों का भलाई चाहता हूं, राजकुमारी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, आपका पैर में एक भी कांटा नहीं चुभने दिया। तो लगता है तुमको कि हमको नहीं पता होगा कि तुम्हारे लिए का सही है और का गलत। बाबूजी, अब आप ही बताइए कि पढ़ाई करना कोनो खराब बात है का? बुचिया, और वो पढ़ना है, सब किताब जनिया मंगा लो, यहां बैठ के पढ़िए, अच्छे से घर संभालना भी सीखो। काहे से कि अब आपका ब्याह होगा बहुत जल्दी, तुम अपने घर चली जाओगी, का तुमको अच्छा लगेगा कि कोई कहेगा कि आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया? पर बाबूजी, हमारे ब्याह में तो अभी बखत है ना। अरे तुम्हारा ब्याह तो पिछले साल ही हो जाना चाहिए था। तुम्हारी बुआ बिल्कुल सही कह रही है, जल्दी ही तुम्हारे ब्याह का रिश्ता देखेंगे हम। ये जरूरी है का बाबूजी? हमरी इच्छा का कोनो मतलब नहीं। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, बस ये जान लो कि हमारी इस हवेली माँ घर की बिटिया का कुछ कायदा कानून, कुछ नियम है, उसको तुम्हें भी मानना पड़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जाकर प्रेम समझाइए, इससे ज्यादा हमने अगर माथा लगाया तो हमारा माथा ठनक जाएगा, एक महतारी की तरह समझाइए, जाइए।
यहाँ कौन रहने आ गया भला? माँ माँ सुनो ना, वो लड़की कौन है माँ? वो होगी कोई? कौन माँ? तुम चलो हमारे साथ, बात करनी है तुमसे। सारी रात जागकर शेखर भैया ये गुड़िया घर हमारे लिए बनाए थे, देखा माँ आपने? आज भी ये घर वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा छत पुराना हो गया है। बन गया का छोटे ठाकुर? का बना रहे छोटे ठाकुर? रत्न से मिलोगी तो खुद ही पता चल जाएगा ये का है। जब रत्न से मिलेंगे तो उसे ही देंगे, देखना कितना खुश हो जाती है। अच्छा तनी बाजार जा रहे हैं सब्जी भाजी उठाने, चलेंगे कल हमारे साथ? गोवर्धन जी से भी मिल लीजिएगा। गोवर्धन? नहीं तुम जाओ ना, हम बाद में मिल लेंगे, उस बहुत काम है हमारे, छोटे मोटे निपटा लें तब तक। हाँ आप इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं ना कि तनी सुन रत्ना जी आपको दिखाई दे दे? हम जैसे बुझ ही नहीं रहे, हम देखे हैं कितना बार कानी आग से खिड़की की तरफ देखते हुए। देख ही नहीं रहे थे, हम काम भी कर रहे थे, समझी? रत्ना से जब मिलना होगा तो मिलेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। ढेर इंतजार मत कीजिए, इंतजार कहीं इंतजार ही ना रह जाए। 200 रुपया दीजिए बाजारी करने के लिए। भागदौड़ी ठीक नहीं है। का है? सब लोग कह रहे थे कि तुहार पैर भारी है। हमरा पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है अभी, जब दिन बच्चा होने वाला होगा ना तुम्ही को बुलाएंगे देखभाल के लिए। ए जमुनी एक बात बताओ, ये बुआ जी रत्ना जी पर गुस्सा कह रहे थे? बुआ जी तांडव कर रही थी और कह रही थी कि वो रत्ना जीजी की जिम्मेदारी नहीं लेंगी। काहे? ये तो हमको नहीं पता, बाकी हाँ हम अभी अभी सुने वो बड़े ठाकुर बड़ी ठाकुराइन से कह रहे थे कि रत्ना जीजी को ठीक से समझाओ। का समझाओ? वही तो हम नहीं समझ पाए, वो हमको नहीं पता लाली। अच्छा सुनना, हाँ तुमको कुछ पता चलेगा तो तनी हमको भी बताना ना। ठीक है। एलेक्सा
रत्ना जी मोटर से उतरते सबसे पहले आप ही के बारे में पूछी थी। कौन चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से? अरे बुआ जी कुछ नहीं, चलिए ना आप आइए आइए ना अंदर। उमरे पेट में भूडो लाए लेकिन चिल्ला कौन रहा है ये तो बताओ। रत्ना! अरे कोई चिल्ला रहा होगा, छोड़े ना ये सब, आप चलिए आपको बहुत दिन से बहुत कुछ दिखाना है, आइए आइए। लेकिन रत्ना! हे रुक, अरे इसके पेट में भूडो लाए ये तो रत्ना रत्ना चिल्ला रहा है लेकिन ये है कौन समझ में नहीं आ रहा है अच्छा से। अरे बुआ जी कहा ये सब समझ नहीं है अपना, आइए आपको बहुत कुछ दिखाना है आइए तो। रत्ना 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 रत क्या हुआ बबुआ, काहे फटा बांस जैसा चिल्ला रहा है? हवेली की याद आ गई का? हमको हवेली से कोनो चीज की जरूरत नहीं है, हमको रत्ना से मिलना है बस। बाकी रत्ना भी तो हवेली का ही हिस्सा है ना, उसे मिलना है तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और हवेली में दाखिल होना पड़ेगा। का इच्छा है तुम्हारी बबुआ? हमको कौनो प्रतिज्ञा वतिज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुदा ही आएगी हमसे मिलने। रत्ना रत्ना नहीं आएगी, तैयार हो तो बोलो। बोलो हवेली में घुसने की हिम्मत आई कि नहीं तनिक में? कहाँ रत्ना को बंद करके रखे हैं आप, वो बाहर कहीं नहीं आ रही है। रत्ना रत्ना! अरे इसके पेट में भूडो लाए ये तो फिर से रत्ना चिल्लाया रे। रुको हम देख कर आते हैं, हम देख कर आते। अरे बुआ जी सुनिए तो, काहे कि कौनो कुछ बेच रहा है, आपको यूं ही रत्ना का नाम अपने कान पे पड़ता सुनाई दे रहा है। अच्छा हाँ, तो कौन चीज बेच रहा है बताओ तो जरा, जिसके हाँक लगाने से रत्ना का नाम सुनाई देता है। रत्ना का नाम सुनाई देता है वो काहे ना बुआ जी के? रत्ना! अरे इसके पेट में भूडो लाई तो रत्ना ही चिल्ला रहा है, हमें देख कर आते हैं। हाँ। अरे बुआ जी तनी सुनिए तो, इस तरह से मत चिल्लाइए, देखिए अपने जान ना बचा के रखिए, हार मान लीजिए और अंदर आ जाइए। देखिए बाबूजी आप अपना और हमारा दोनों का वक्त खराब कर रहे हैं, आप रत्ना को बाहर भेजिए चुपे चाप, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। शेखर बबुआ